Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautama Gani Mangalam Kundakundalyo Jain Dharmostu Mangalam Sarva Mangal Mangalam Sarva Kalyan Karakam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Sashnam Jainam Jaitu Sashnam Vidragi Dev Shastra Jaivan Prati Shashnam समाधि मरण का प्रसंग है। एक खास बात इसमें ये कहना है कि अभी ये दिगंबर मुनिराजों के अपन ने वर्णन पढ़े और सुने, तब हम ये देख रहे थे कि लोगों को ये घटनाएं बहुत दुखद लग रही थी, है ना। शेर पर सिगड़ी जलाई, ऐसा हो गया, चील ने आंखें फोड़ दी, व्यंतरणी ने कीड़े पड़ गए, पूरा शरीर जल गया। लेकिन एक बात हम ध्यान रखें, दिगंबर मुनिराज कोई दया के पात्र नहीं होते, कोई करुणा के पात्र नहीं होते। अरे बिचारे कैसे जले हुई हैं, अरे बिचारे घानी में कैसे पिरे हुई हैं, अरे रे भाई क्या सुनो। ये दिगंबर मुनिराजों का जीवन चरित्र सुनकर के तो हमारा मस्तक गौरव से और उठ जाना चाहिए, हमारा हृदय गौरवान्वित होना चाहिए, उनके प्रति क्या कहें, उनके प्रति अत्यंत भक्ति संपन्न हो जाना चाहिए हमें। फिर से सुनो भाई, जीव और पुद्गल न्यारे न्यारे हैं, ऐसा जानने के बाद हम पुद्गल के परिणमन को जीव की पीड़ा मानते हैं, इसलिए हमें लगता है अरे बेचारे। एक पुद्गल का परिणमन हुआ, देह जलती हुई दिखाई देती है, कीड़े पड़ते दिखाई देते हैं, तो हमें बिचारी नजर आती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दिगंबर मुनिराज तो समता रस के सवारी है। अरे जी, ये हम कह रहे कितनी भी अब भयानक घटना सुनाई जावे तो हमारा मस्तक और गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए कि हम उन मुनीश्वरों के लघुनंदन हैं, उन भगवंतों के पुत्र हैं, हम उनके अनुयायी हैं, जो ऐसी घोर वेदना में जबकि सारा जगत चलित हो जावे भी किंचित नहीं चिगी, किंचित नहीं डिगी, आराधन चित धारी समता रस की स्वादी। देखो, शरीर जल गया और जगत रोने लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अद्भुत साहस, अद्भुत महिमा, अद्भुत आश्चर्य इसमें है कि जब देह जल रही थी उस समय दिगंबर मुनिराज केवल ज्ञान ले रहे थे। ये बात पक्की है कि केवल ज्ञान आता होगा तो उसके पहले आत्मा में चारों घातीय कर्मों का अभाव होता होगा, चारों घातीय कर्म का अभाव करने के लिए आत्मा का रसास्वादन होता होगा। क्या गजब बात है, बाहर में देह जल रही है और अंदर में चैतन्य का परम शांति अनंत सुख का वेदन हो रहा है ना, कैसे छत्तीस जैसी बात लगती है। अरे रे हे आत्मा, इससे मालूम पड़ा कि आत्मा देह से स्वतंत्र है, आत्मा सुखी दुखी होने के लिए देह के अधीन नहीं है, देह का परिणमन जैसा होना है हो, हम तो परम स्वाधीन था। वो बात अभी तक चली, समता रस के स्वादी है। अरे रे प्रभु, आपका स्मरण करके अब हमारा भी प्रमाद दूर हो, प्रमाद दूर हो माने हमारी भी जो पराधीनता बुद्धि है, अरे भाई क्या भूख लगेगी तो प्राण निकलेंगे, ये तो दवाई नहीं मिलेगी तो चिल्लाएंगे, कसाय तो करेंगे और क्या करेंगे, क्यों कसाय क्यों करना चाहते हो पंडित जी, तुम्हें दवाई नहीं मिले जब जाने, गुस्सा नहीं आएगी, कुल मिला कैसे समझ लेना आप। लेकिन यहां मुनीश्वरों का स्मरण इसलिए किया है कि हम उनके प्रति और गौरवान्वित होकर मस्तक झुकाएं, अत्यंत भक्ति संपन्न हो जाएंगे। ओहो, धन्य वे मुनीश्वर जिन्होंने ओहो पांच इंद्री के विषय हो, महिलाओं की सुविधाएं, मखमल के गद्दे, नहीं अपन पहले पढ़ चुके हैं, राई का दाना जिनको गधे पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदण तन भक्ते देखे है? राई का दाना जिनको, कितनी सुकोमल देह थी, कितनी कोमलता है? अरे दीपक की रोशनी का प्रकाश
आंखों में से अश्रु की धार लग गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और कैसे रहे होंगे 3 दिन तक, काया की सुध नहीं, चावल का दाना कैसे खाते थे, कैसा चावल है? कमल में रखे गए, रात भर कमल में रख दिए गए, शाम को कमल में रखे गए, और रात भर पंखड़ी बंद होने से रात भर सीजे, और सुबह कमल खिले खुले तो वे चावल बनाए जाते थे उनके लिए। और जरा से एक मुट्ठी चावल और राजा के आ जाने से डाल दिया उसमें, और एक एक बीन के खा रहे, एक एक बीन के। बोला काया की सुध नहीं, ये बहुत अत्यंत भक्ति से गाने जैसी है ये बात, और गाने जैसी नहीं है, स्मरण करने जैसी है। और क्यों स्मरण करने जैसी है कि प्रभु देह की अधीनता रूपी प्रमाद दूर हो जाए, अब हमारा प्रमाद भी इसका रहने वाला नहीं है, है ना। अब इसकी चर्चा तो हमने हो गई है, आगे चलना है अपने को। अभी पढ़ा अपने पाठ, यो समाधि, यो समाधि और माही लावो, यो यो मैंने इस प्रकार इतने मुनिराजों का स्मरण किया ना, 17-18 के लिए 500 भी बहुत हुए हैं। ललित घटादी 32 मुनिराज नदी में बह गए, 700 मुनिराज ऐसा क्या कहें प्रभु। इसी प्रकार यो समाधि और लावो और माही लावो, क्यों लावो भैया, अपना हित जो चाहो। यदि तुम्हें हित करना हो आत्मा का, तो अभी तुम सबसे बढ़िया कंडीशन में हो, सबसे अच्छी दशा में हो, मनुष्य हो, वैरागी देशास गुरु मिले हैं, संस्कृति मिली है, संस्कार मिले हैं, मंद कसाय है, और क्षोभसम में तुम्हें बात समझ में भी आती है, तो इससे बढ़िया अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि अपना हित चाहते हो तो अनंत काल नरक निगोद में जाना हो तो तुम्हें जो दिखे सो करो। लेकिन यदि अपना हित चाहिए हो तो इन मुनिराजों का स्मरण करके अपना जीवन ऐसा निर्मल करो, है ना। और क्या है, तज ममता अरु आठो मद को ज्योति स्वरूप ध्याओ, ज्योति स्वरूप ध्याओ। ज्योति स्वरूप माने ज्ञायक, एक ही बात है, ज्योति स्वरूप माने ज्ञायक, ज्ञान प्रकाश है मेरे पास, तो अपने ज्ञायक स्वभाव को हो, जिसकी चर्चा सुबह बहुत चल रही है, ज्ञायक देखो अपने को, ज्योति स्वरूप देखो। तज ममता, ममता छोड़कर, इस शरीर की ममत बुद्धि छोड़कर के, यह मैं हूं, इसका सुख मेरा सुख है, इसका दुख मेरा दुख है, नहीं नहीं प्रभु देखो, इसकी ममत को छोड़ करके, आठों मत को छोड़ करके, अभी इसका विस्तार करने का टाइम नहीं है, आठों मत की चर्चा ग्रंथों से देखना, खास तौर से छेटाला जी से देख लेना। अरे रे सुन भाई सुन, तेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका तू मत करे। अरे उन महान भगवंतों को देखो जिनके पास केवल ज्ञान है, अब काय का मत करें, काय का मत करें। वास्तव में आत्मस्वरूप को जानने पर कोई मद रहता नहीं है, और आत्मा को नहीं जाने तो मद छूटता भी नहीं है। इसलिए मद छोड़ने के लिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर शरीर को अपना मान ही है। हाँ मैं सुंदर हूं तो रूप का मद हो गई होगा, वो तो कौन जाति के हैं है, कब जाति का मद हो गई, नहीं होगा, कुल का मद नहीं होगा, हो गई। देखो मैं बलमन बलमद हो गया, संपत्ति देखो मेरा पैसा, अरे पैसा सोन तो प्रभु तुम कौन हो, तुम कौन हो, 3 लोक का नाच कितना पैसा हो जाए कि पैसे का मत करे, बोलो बताओ। असल में अपनी सोच हल्की है, हमारी सोच बहुत हल्की है, इसीलिए 8 प्रकार के मद में जीवन चला जाता है। यहां कहते हैं 8 मदों को छोड़ो और अपने को ज्ञायक देखो। जो को अब देखो इसमें एक दृष्टांत देते हैं, अब अंतिम अंतिम चलते चलते एक दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर। जो कोई नित करत पयानो, ग्रामांतर के काजे सो भी सगुन भी चारे नी के सुख के कारण साज। एक बहुत बढ़िया, देखो अब तो होता है कि नहीं होता, मैं नहीं कहता हूं इतना, पहले जमाने में बहुत होता था, जो प्राय परदेश जाते थे तो घर से निकलने का सगुन देखते थे, सगुन युद्ध के मैदान में जाए तो सगुन देखते थे, मतलब कोई बात हो सगुन देख के निकलते थे, असगुन हो जाए तो घर में वापस लौटते थे। तो यहां ये कहते हैं जैसे कोई और ग्रामांतर को जाते हैं तो सगुन का विचार करते हो, तो तुम किलप किलप कर असगुन क्यों कर रहे हो, समझ आया कुछ। गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, नपुंसक का दृष्टांत दिया, नपुंसक हिजड़े होते ना, हिजड़े नपुंसक,
ये जब कभी नया घर बनाते हैं, नए घर में जाते हैं, नए घर में तो बहुत माथा कूटते कूटते जाते हैं, किलपते किलपते रोते रोते जाते हैं। हाँ जी, इसलिए रो रो के जाते हैं। जब भी कभी नए मकान में जाएंगे, नए आवास में जाएंगे, नए घर में, तो बहुत सब मिलते हैं और खूब कूट कूट के रोते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या बताना है कि सुनो, जो नए घर में जाने से पहले रोवे वे ही नपुंसक हैं, ऐसे ही अगले भाव में जाने के पहले रोवे वे नपुंसक हैं, नपुंसक हैं, साहसी हो गए, काय की घबराहट, समझदार हो गए तो काय की घबराहट, बताओ। अच्छा क्यों रोगे तो छोड़ देगा कोई? सुना, कर्मों के दया नहीं, कर्मों के दया नहीं, वे तीर्थंकर पारसनाथ भगवान ने नहीं छोड़ा। तुम तो होते कौन हो? बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़े, तुम कौन होते हो? कर्मों के दया नहीं, सुना, उन्हें दया नहीं है तो हमें दया चाहिए भी नहीं उनसे। साहसी बनो, साहसी बनो, हम नहीं घबराएंगे। आज अंतिम मैंने समाधि के पाठ का, हाँ प्रभु खूब साहस लाओ, साहस, हम नहीं घबराएंगे, किलपेंगे नहीं, रोएंगे नहीं। अब होगी तो होगी, उसमें क्या होगी तो होगी, और क्या करेंगे उसके लिए है? ओ भाई देखो कितना सुंदर कहते हैं, सगुन विचारते हैं और तुम असगुन कर रहे हो। कोई तुम व्यापार करने के लिए जाओ, परदेश जाओ, और कोई रोता हुआ मिले तो सगुन है क्या? सगुन असगुन है, दो ही तरह से समझना, दो ही तरह से। कोई मरना सन पड़ा हो तो उसके सामने रो मत, उसके लिए असगुन है जी। तुम्हारा मोह टूट रहा होगा इस कारण तुम रो करके उसका सगुन क्यों करते हो? और एक और बहुत अच्छी प्रथा भारत में है सगुन के मामले में, यदि आप अच्छा काम करने जा रहे हो और कोई मुर्दा दिखाई दे जाए तो अच्छा मानते हैं, सगुन मानते हैं, नहीं क्या भैया? तो दूसरे को डेड बॉडी देखने में सगुन है, अपनी डेड बॉडी देखने में सगुन है। परायों की कि अपने वालों की, कौन की देखना? डेड बॉडी, सब सब मुर्दा किसका देखना? अपने वालों का कि परायों का? इसमें बहुत मर्म की बात है, संक्षेप में करेंगे, ज्यादा नहीं खींचना अपने को। सब देखना इसलिए सगुन है कि सबको देखते से ही इसे भेद विज्ञान की धारा प्राप्त होती है, एकदम खबर लगती है, अरे देखो, अरे ये वही पुरुष था, कल तक आंगने में खेलता था, कमाता था, पत्नी बच्चे व्यापार पूजा करता था, पाठ करता था, अरे देखो अब ये शरीर, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा है ना, देखो क्या दशा हुई, देखो अरे अंतिम दशा देखो उनकी। तो एकदम विरक्ति का कारण बनता है और तब एकदम जीव को चोट लगती है कि हे आत्मन, चार दिन के लिए इसमें रहते हो, धन कमाने के ममत्व में, स्त्री पुत्र आदि के ममत्व में अपना जीवन गंवाने लायक नहीं है। अरे रे तू कहां धन के मद में दौड़ धूप करता है, है? मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, एक ख्याल झूठा है, है? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। कैसा कितना उसको 32 साल की उम्र मर गया सिकंदर, 32 साल, 14-16 साल की उम्र से तो सैनिक बन गया, रोम जीतूंगा, यूनान जीतूंगा, फला जीतूंगा, जे जीतूंगा, वो जीतूंगा, और खूब मंदिर लूटे, खूब रत्न सोना चांदी हीरा माणिक और सैकड़ों उसकी पत्नियां, अरे लेकिन एक फोड़ा हो गया तो बचाने वाला नहीं मिला कोई। उसने कहा जितना धन चाहिए ले जाओ, लेकिन कहीं से डॉक्टर लाओ, वेद लाओ, लेकिन मुझे बचाओ। वेद बोले हे बादशाह, तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं। बिलक उठा, अरे रे रे रे, लेकिन थोड़ा समझदार था, देखो 32 साल की उम्र में मरा, लेकिन थोड़ा समझदार, अरे भाई तो मेरा धन बचा नहीं सकता, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, हैं? अरे भाई क्या करे फिर जी, बाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, सगे संबंधी भाई तूने यूं ही गवाई।
हैं, जिनको ल पाया है थी ये पुण्य कमाई, तस में आया नरभव पाया, तस में आया जिनको ल पाया थी ये पुण्य कमाई, तूने यूं ही गवाई। बोला इसलिए सगुन का उसको, इसलिए एकदम वेद विज्ञान होता है। देखो देह जुदा है, आत्मा जुदा है भाई। अरे रे तूने देह के खातिर तो बहुत प्रयत्न किए, एक बार आत्मा के खातिर प्रयत्न कर भाई। देह के खातिर तो तूने बहुत पापाचार कर लिए, आत्मा के खातिर एक बार समर्पण ला इस सगुन का उसको। तो सगुन का विचार करो, सगुन का विचार करो। आगे आगे पढ़ते हैं। मात पिता अधिक सर्व कुटुम एक ग्राम जान के कार कैसो देखो गजब बात। जब आप परदेश जाते हो तो घर के लोग भी, ए रोना नहीं, ए छींक मत देना, छींकना नहीं, ए देख बिल्ली बिल्ली नहीं आ जाए, ए भरे कलश ले लो, नहीं बहू का गृह प्रवेश कराए, ला कलश लाओ कलश लाओ। क्या करते हैं माने बुद्धिपूर्वक माता पिता कुटुंब के लोग माने सगुन करने की चेष्टाएं करते हैं, असगुन तो नहीं करते हैं। क्यों? जब वो नए घर में जा रहा है, नए शरीर में जा रहा है, अभी यहां की भाषा कहो तो नए शरीर में जा रहा है, क्यों घर में है तो नए शरीर में ही जाएगा, नए शरीर में जाएगा और क्या करेगा। दिगंबर मुनि दशा होती तो मोक्ष में चला जाता, लेकिन जो घर में वस्त्र सहित है उसे तो जो नए शरीर में जा रहा है उस समय तुम जानबूझकर आप सगुन क्यों करते हो। दृष्टांत दिया, हल्दी धनिया पुंगी इसी मतलब अच्छी अच्छी चीजें मंगल द्रव कहलाती हैं, घर में सगुन की चीजें कहलाती हैं। चलते चलते हल्दी दिख जाए, धनिया दिख जाए, पुंगी दिख जाए, है ना, पुंगी क्या होती है, पान पान सुपारी, हाँ सुपारी होगी सुपारी, अच्छा दूध दूध दही फल, तो ये देख ले तो मंगल कहने में आता है। दूध है, हरी घास आदि दिखना है ऐसे। अब देखो अब ज्यादा नहीं पढ़ो, अब हम तो आगे चलते हैं। एक ग्राम जाने के लिए तो इतना सुबह सुबह विचार करते हो, और प्रगति को जाने के लिए तब नहीं सोचो है? और दृष्टांत देते हैं। देखो सर्व कुटुंब जब रोवन लागे ये अपशगुन कर सुन तो को तू यो क्यों ना विचारे अपर गति को चालत धर्म ध्यान देखो क्या कहते हैं। सर्व कुटुंब जब रोवन लागे, बताओ तो है रुलावे सारे, खुद रोते हैं और तुझे रुलाते हैं, क्यों बातें ऐसी करते हैं ना। एक बात और कहता हूं, हालांकि अब क्या करें महिलाओं को बेचारों को क्या करें, कछु न कछु तो बोलना ही पड़ता है ना रोते समय, मैंने बोलते समय कई बार तो ऐसा भद्दा सा लगता है कि जैसे इसलिए रो रहे हैं कि अब हमारा स्वार्थ नहीं सधेगा। सही बात देखा देखी जाए तो ये लोक में भी अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो मृतक के सामने माने जो मरणासन है समाधि कर रहे उनके सामने मत रो, पहली बात तो। और कदाचित कई लोग इसीलिए कहते हैं पिताजी अब तुम चले जाओगे, हमारे व्यापार को क्या हुई है, अब इनकम टैक्स की पीएससी भी खोज है और हमारे बही खाता खो लिखेगा। एक अभी विद्वान से चर्चा हुई भोपाल में, तो हमने कहा आपका स्वाध्याय वगैरह कहा करें पंडित जी, जी मोड़ा मोड़ी बही खाता ही नहीं संभाल पाया अभी तक, अब हमें ही संभालने पड़ा सब, अब वो हमें ही संभाल पाते इनकम टैक्स को हिसाब से कर ही नहीं पाते। तो मैंने तो यही कहा कि ये बताओ आप चले जाओगे तब कौन करेगा जी सब, एक आध साल कदाचित घाटा हो जाए 10-25 हजार का, वो जान दो आखिर बच्चे कभी तो संभालेंगे, सुनो तुम्हारे जाने के पीछे घाटा खाएंगे, आज तुम्हारे सामने खा लेंगे, लेकिन क्या बताएं
पिताजी को पुत्रों पर अतिरिक्त लाड़ और अपने साथ अन्याय की भावना। अरे बेटा है चाहे खेल अंदर कूद अंदर पिक्चर देख अंदर टॉकीज चले जाए उन्होंने पिकनिक सैर सपाटे करवे की हमारे पंडित जी उनकी कहा है फिर तो रोज ही संभालने हम चले जाए सो तो उन्हें तो छूट दे दी आप हिसाब में भी लग गए। देखो वो पिता बहुत ही ना समझ है जो अपने सामने ही पुत्रों को योग्य आत्मनिर्भर नहीं बना गया। तुम चले जाओगे तब कौन सिखाएगा उन्हें बता सामने का घूमना फिरना बेटा बाद में पहले हिसाब संभाल हम नहीं संभालेंगे कल से। लेकिन उल्टी हालत है क्या करे बेचारा धनवान नहीं धनदास बनकर रहता है बिल्कुल नौकर चाकर की तरह बिल्कुल बच्चों की तो छूट और खुद लगा रहे उसमें बिल्कुल नहीं करना। आपको सलाह देते हैं हम योग्य समय आने पर बालकों को संभला दो पुत्रों को संभला दो बाकी तो अपना समय आराधना में निकालो। और इसीलिए फिर वो अंतिम समय में लड़के रुलाते हैं और रोते हैं खुद रो रहे हैं काहे के लिए अब पिताजी चले गए घर के सामने बैठे रहती तो दरवाजे पे रखवाली बनी रहती क्या घर में कोई होना था चाहिए तो तुमने क्या सोचा उनके बारे में। ये हमारा स्वार्थ परक रोना और क्लेश करना और फिर उनको क्लेश कराना और इसीलिए फिर पिताजी भी दुखी होते मरते मरते। सही बात है अब को संभाले हो करोड़न की माया लाखन की माया को संभाले हो कि तुम ही अजाना बन करके वापस और क्या कहो को संभाले हो। नहीं भाई नहीं देखो अपना जीवन खराब करने लायक नहीं है। देखो अब समझाते हैं ये आप शगुन कर रहे हैं सुनो तुम ये क्यों नहीं विचार करते हो कि ये अपशगुन कर रहे हैं और फिर भी तुम इन्हीं से ममता कर रहे हो जो अपशगुन कर रहे हैं उन्हीं से ममता। अरे रे रे अब प्रगति को चालत बिरिया धर्म ध्यान और आनंद। धर्म ध्यान किसको कहते हैं संक्षेप में कहेंगे ज्यादा तो क्या कहें धर्मी को जाने बिना धर्म ध्यान नहीं होता। धर्मी का ध्यान यही धर्म ध्यान है, है? दूध में मिठास का ध्यान मिठास का ध्यान आ गया क्या मतलब क्या याद आई फिर आपको धर्मी धर्मी माने मिठास नाम का धर्म जिसमें पाया जाए तो मिठास नाम का धर्म किसमें पाया जाता है शक्कर। ये भैया जरा मिठास का ध्यान करो ए दूध में हमने शक्कर नहीं डाली दूध मीठा नहीं है जरा मिठास का ध्यान रखना तो मिठास का ध्यान माने शक्कर में मिठास नाम का धर्म शक्कर में है। ऐसे ही चलती विरिया धर्म ध्यान करो सुना ये धर्म कहां है कि वस्तु का स्वभाव बत्थु स्वभाव धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। सुनो अपने स्वभाव का नाम अब अपना स्वभाव जीव का स्वभाव जानना और देखना अपना जानन जानन स्वभाव का ध्यान करो ये धर्म ध्यान है ना। तो इस तरह अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मा की आराधना करो यही धर्म ध्यान और लाओ और चारों आराधन जिनकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इनकी आराधना करके मोह तनो दुख हानो। इसका मतलब है दर्शन मोह संबंधी दुख को नाश करो और क्या करें चारित्र मोह तो अभी दूर होगा नहीं तो दर्शन मोह संबंधी दुखों का हानि अर्थात कम करो और चारित्र मोह में भी जितना कम हो सकता है उतना कम करो। अगला हो निशल देखो सही बात यह है हमें कुछ अर्थ करने की भी जरूरत नहीं है। गजब देखो अब किस में कितना सुंदर हो निशल्य भैया डेढ़ पौने दो महीना हो गए अब निशल्य हो जाओ नहीं अब चर्चा चल गई अब तो निशल्य हो जाओ अब तो बहुत स्वरूप बता दिया। निशल्य होकर के तजो सब दुविधा सब दुविधा दुविधा कल्याण होगा कि नहीं होगा दुविधा है जी दुविधा छोड़ो अब इनका हो भला होगा कि बुरा होगा मैं मरने के बाद दुविधा छोड़ो बिल्कुल हर प्रकार की दुविधा छोड़ो सब दुविधा आत्म राम सुध्यावो। अभी हमने ऊपर कहा था वह अपने आप आ गया इसमें आत्म राम सुध्यावो सु माने सम्यक प्रकार से ध्यावो। अभी हमने ऊपर धर्मी कहा था उसको है ना यहां उन्होंने खुद कह दिया आत्म राम
सम्यक प्रकार से आत्मा का ध्यान करो। और क्या कहते हैं, अब जब परगति को जा रहे हो, करहूं पयानो, अन्य गति को जा रहे हो, परगति को, कितना सुंदर देखो, परम तत्व और लावो, ए सात तत्व नहीं, परम तत्व, ये कहिए परम तत्व, ये कहिए परम तत्व, सात तत्व नहीं, नौ तत्व नहीं, और तत्व भी नहीं, कोई को नहीं, एक परम, परम क्यों कहा इसको, देखो अपने जीव तत्व को परम तत्व क्यों कहा, अपने जीव तत्व को परम तत्व क्यों कहा, क्योंकि सुनो तीन लोक में सिद्ध भगवान का जीव तत्व, अरंत भगवान का जीव तत्व, वह भी तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं देगा, तुम्हारा जीव तत्व ही तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित देगा, तुम्हारे लिए केवल ज्ञान, आठ कर्मों की हानि अर्थात नाश, मुक्ति देने वाला कोई है तो तुम्हारा ही जीव तत्व, इसलिए अब अपने ही परम, अपने ही सर्वोत्कृष्ट, अपने ही उस जीव तत्व को जानो, इसका अभी हम इसमें सब पढ़ के सुनाएंगे अलग से आपको, है ना, आगे मोह जाल को काट प्यारे, प्यारे कैसे कैसे संबोधन, हे भाई, हे आत्मन, देखो प्रिय हो तो संबोधन है ना, हे प्रिय आत्मन, अपना रूप विचार, देखो तीसरी बार फिर कह रहे हैं, अपना रूप सुध्यावो, सुध्यावो परम तत्व लाभो, ऊपर धर्म ध्यान कहा था, और चौथे नंबर फिर कह रहे हैं, अपना रूप विचारो, क्या विचारो, मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, योनिश्चय और धारो, इसकी चर्चा बहुत हो गई है, मृत्यु तुम्हारा बहुत उपकारी, इसकी चर्चा तो बहुत हो गई है, अब इतना ही समझो भैया, अंतिम समय अंतिम क्षण देखो, अब यदि मृत्यु का समय आ गया हा तो स्त्री पुत्र आदि का चिंतन तो मत करो, धनादि का चिंतन मत करो, शरीर रोग पाप का उदय असाता का उदय इसका भी चिंतन मत करो, और ज्यादा क्या कहें, पंच परमिष्टि का चिंतन भी मत करो, कर चुके ना, अरे कर चुके ना अब अंतिम अंतिम क्या करो, अंतिम क्या करो, अपना रूप विचारो, परम तत्व और लाओ, आत्म राम सुध्याओ, अंतम मृत्यु महो सब पाठ को पढ़ो सुनो बुद्धिमान, श्रद्धा धर नित सुख लहो सूर चंद शिव थान, पंच उभय नव इक नव संबत सौ सुखदाय, आश्विन श्यामा सप्तमी कहो पाठ मन लाए। सूरचंद जी इसके लेखक हैं, वे कहते हैं कि मृत्यु महोत्सव पाठ को पढ़ो सुनो बुद्धिमान, अर्थात जो पढ़े वे बुद्धिमान, नहीं पढ़े वे अपने आप समझ लो, जो पढ़े सुने समझे अनुकरण करें वे तो बुद्धिमान है। अब इतनी अच्छी बात सुनकर, इतना गुरुओं का मुनिराजों का स्मरण सुनकर के भी यदि पढ़ने सुनने के प्रति लोगों को अच्छा ना लगे, अथवा बीमारी हुई और कोई सुनाने आ गया समझ लो ये समाधि में, तो एकदम घबरा गए, जी का मारन चाह अबे नहीं सुना भाई, क्या अबे कौन जा रहे हैं हम, तो वे बुद्धिमान नहीं है, ये कहना है वे बुद्धिमान नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, घर में यदि समाधि का पाठ होने लगे तो ये मत समझाओ कि मरने के समय सुने जाते हैं केवल, है ना, इसलिए वे बुद्धिमान है जो पढ़ते और सुनते हैं, और वे श्रद्धा रखें, सम्यक दर्शन धारण करें अर्थात श्रद्धा धरें, नित सुख लहो, क्या श्रद्धा धरें, वे निरंतर सुख लहेंगे, क्या लहेंगे, लहो सूरचंद शिवथान, सूरचंद कहते हैं ये श्रद्धा रखो हृदय में कि जो समाधि का आश्रय करेंगे, विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, पढ़ेंगे सुनेंगे सुनाएंगे, वे निश्चय ही शिवथान को प्राप्त करेंगे, माने मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। और बाकी तो अभी संबत लिख दिया इन्होंने कि इन्होंने किस दिन ये पाठ लिखा, किस दिन लिखा इन्होंने पाठ, पंच उभय नव एक 1955 है, 1955 संबत में ये सुखदायक समाधि पाठ लिखा गया है, आश्विन का महीना, श्यामा माने बदी पक्ष और सप्तमी का दिन है, आश्विन श्यामा सप्तमी, और इस पाठ को कहा इस तरह से अपना समाधि मन का एक जो बहुत ही सुंदर प्रसंग था, लगभग बहुत लंबा चल गया, इसकी बात मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूं, जल्दी जल्दी इसमें जल्दी होगी थोड़ी सी, मैं आपको ये पुस्तक लेने के लिए भी कहता हूं, ये आप जरूर ले लें,
और कुछ पढ़े कि नहीं पढ़े, हालांकि मैं तो कहूंगा सब पढ़ो, पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम पेज 88 से उसे देख करके दौलत राम जी ने लिखी। और गुमानी राम जी ने समाधि मरण का स्वरूप लिखा तो बोध चंद जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसका हू-हू ट्रांसलेशन कर दिया। इन्होंने गद्य में लिखा, उन्होंने पद्य में लिख दिया। आपको क्या कहें, इतना सुंदर इसका पाठ है कि आपका मन रोम रोम ना चुटे। मैंने आपको क्या कहूं मैं, इतना अच्छा। अब मैं कुछ कुछ पढ़ के सुनाता हूं, समय थोड़ा है, और कुछ कुछ पढ़ के सुनाता हूं। अर्थ तो ज्यादा करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। देखो धीरे। अच्छा देखो भाई, पूरा तो आप पढ़ना, मैं तो प्रेरणा देने के लिए खोल रहा हूं। हे भव्य, तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम नी कसाय का है, शांत परिणामों का है। कसाय रही शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। अब मैं पूरा तो सुना नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा रुक कर सुनाता हूं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, जैसे कोई सिंह हो, सिंह सोया हुआ होए, और ऐसे में कोई उसे जगा दे कि तेरे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है, तो शेर एकदम सावधान हो जाता है और फिर आखिर उसको जीतता है। ऐसे ही हम तुम्हें जगाते हैं, हे सोए हुए भगवान आत्माओ, भूले हुए भगवान आत्माओ, हे आत्मनो तुम जागो, जागो, मृत्यु आने वाली है, जागो। इस समाधि मन का स्वरूप कहकर के जगा रहे हैं, जगो, अरे मौत आ जाएगी जल्दी। तो जो समझदार होते हैं वे एकदम, जब तक बेरियों का समूह दूर है अर्थात मृत्यु दूर है, तब तक तुम तैयार हो जाओ, बेरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार हो जाते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही तैयार हो गया। अब बाकी आप पढ़ लेना। सम्यक दृष्टि कैसी, सम्यक दृष्टि कैसी है। देखो गजब, समाधि मन का स्वरूप लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं सम्यक दृष्टि कैसी है। तो सुनो कैसी है। उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप दे दीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। ऐसी है सम्यक दृष्टि, आत्मा का स्वरूप प्रकट रूप से प्रतिभासता है। यह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। देखो समाधि मन की तैयारी, आनंद रस से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार, शक्ति चल गई, चेतन धातु का पिंड, अनंत गुणों से युक्त चेतन देव ही जानता है। क्या जानता है, अगर एक बार बोलना सब लोग। एक समाधि मन करने वाला अपने को चेतन देव ही पुरुष नहीं जानता, बीमार नहीं जानता, दुखी नहीं जानता, चेतन देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही अपने को चेतन देव जानने की अतिशय से वह परद्रव के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। अपने अतिशय से, देखो अपने को चेतन देव जानने के अतिशय से वो किंचित मात्र भी रागी नहीं होता। अब वर्णन तो बहुत है, लेकिन हम आपको पेज नंबर 90 दूसरा पैराग्राफ का अंतिम मोटी मोटी, मेरा स्वरूप तो एक चेतन स्वभाव शाश्वत अविनाशी है। उसकी महिमा अद्भुत है सो मैं किससे कहूं। मेरी महिमा अद्भुत है सो किससे कहूं जी, बताओ किससे कहें, बताओ है? और देखो पेज नंबर 91, तीन लोक में जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणाम करते हैं। ये पुद्गल अपने स्वभाव रूप परिणाम करते हैं और मैं ज्ञायक आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणाम करता हूं। कोई किसी का कर्ता नहीं है और किसी का भोक्ता भी नहीं है। नीचे लिखा हुआ है, मैं तो इस ज्ञायक स्वभाव ही का कर्ता और भोक्ता हूं। शरीर तो प्रत्यक्ष मुर्दा है। अच्छा और देखो बहुत सुंदर। देखो मैं तो सोचता था कि कहां मिलेगी वो चीज, वो इसमें मिली मुझे। अक्सर कहते थे ना त्रिलोक पूज, आत्मा को त्रिलोक पूज कहते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कहां लिखी, आज मिली मुझे वो, कल मिल गई। मतलब देखो पेज 93 बीच बीच है, मैं तो अनादिकाल से अविनाशी चैतन्य देव, मैं तो अनादिकाल से अविनाशी, समझते हो, मैं कैसा चेतन देव हूं, अविनाशी, मैं अविनाशी चेतन देव, कभी मरा ही नहीं, चेतन देव,
और आगे भैया त्रिलोक द्वारा पूज्य पदार्थ हूं। अल्लाह कौन हिम्मत पड़े, कौन की हिम्मत पड़े कहने की, बोलो त्रिलोक द्वारा पूज्य पदार्थ हूं। और आगे सुनो, अरे ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी, आप तो देख लेना बस, हम तो आपको प्रेरणा कर रहे हैं। और देखो जोरदार, जब अपन बहुत स्वच्छत्व शक्ति चलाते हैं, स्वच्छत्व इसमें पूरा वर्णन लिया उसने, पेज नंबर 96 स्वच्छत्व का, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लेना उसे, मैं तो नीचे पढ़ रहा हूं। मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, ध्यान से सुनना भैया, बहुत असली मौका चल रहा है इस समय असली, झपके तो नीचे गए, हाँ झपकना नहीं है। देखो कितना सुंदर, मेरा चैतन्य स्वरूप कैसा है, वह अपनी अनंत महिमा से युक्त है। देखो अभी तक आपने भगवंतों की चेतन तत्व की महिमा सुनी होगी, अरंत सिद्ध भगवानों मुनिराजों के चेतन तत्व की महिमा सुनी होगी, यहां कहते हैं मेरा चेतन स्वरूप कैसा है, वह अपनी अनंत महिमा से युक्त है, वह किसी की सहायता नहीं चाहता है और वह असहाय स्वभाव को धारण किए हुए है, वह स्वयंभू है, वह एक अखंड ज्ञान मूर्ति और परद्रव से भिन्न शाश्वत अविनाशी और परम देव है। देखो समाधि मन करने वाले की, और वह परम देव है और इसके अतिरिक्त और अपने अतिरिक्त इस चेतन देव के अतिरिक्त उत्कृष्ट देव किसे माने। मानो क्या लिखा है, वास्तव में मैं लिखता तो मेरी हिम्मत तो नहीं थी। देखो उन्हें क्या लिखा है, और इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट देव किसे माने, यदि त्रिकाल में कोई हो तो माने, नहीं है। भैया ये किताब मैं सही कह रहा हूं, आप देखो तो एक बार क्या खजाने भरे हैं आपके ग्रंथों में, ऐसी दुनिया में तुम्हें तीन लोग में ये बात नहीं मिलेगी, कहीं तीन लोगों में तो यही बात मिलेगी, हम में कच्ची दम नहीं है, हम तो भैया ए अरे ए भैया अरे भी भैया अरे रे 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 सन जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है, ये अवतारियों की महिमा नहीं करता। कितना सुंदर, मैं तो पढ़ के चौक गया, क्या लिखा रहे हो, इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट देव किसे माने, यदि त्रिकाल में कोई हो तो माने, कोई नहीं नहीं देख कैसा कर। अब ऐसे ऐसे इसमें बहुत लिखा है, और देखो और पढ़ता हूं, पेज नंबर 99 शत्रुओं से, कर्म रूपी शत्रुओं से युद्ध कर जन्म जन्म के कर्मों का उन्मूलन करूंगा और केवल ज्ञान प्रकट करूंगा और मुझे एक समय में समस्त लोकालोक के तीनों काल के चराचर पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाएंगे, तत्पश्चात मेरा यह स्वभाव शाश्वत रहेगा, मेरा यह स्वभाव शाश्वत रहेगा। अब ध्यान से सुनना भैया, मैं ऐसे केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी हूं, तब इस शरीर से कैसे ममत्व करूं, लो मरते समय कैसे ममत्व करें, बोलो हम तो केवल ज्ञान के स्वामी हैं, हम इसका, ये तो ऐसी बात हो गई भाई सुदामा जैसी बात, भैया अब हम तुमको अपनी समान बना लेते, कृष्ण ने सुदामा को अपने समान बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने कहा करीब अपनी पटर गया फटी फटाई का धरते भैया समान लगा वो फटी फटाई हमारे कपड़ा फिर गुदड़ी कहां गई धर दो संभाल के, अरे अरे तुम्हें जब बराबरी कर लिया यहां से, यहां केवल ज्ञान के स्वामी हो, जो फटी फटाई गुदड़ी को करोगे जाओ क्या करोगे, निर्ममत होकर छोड़ दो इसे। देखो कितना गजब, कहां चला गया, अच्छा ये पेज, हाँ देखो ऐसे केवल ज्ञान लक्ष्मी का स्वामी हूं, तब इस शरीर से कैसे ममत करूं, ऐसा उत्तर देकर सम्यक ज्ञानी पुरुष विचार करता है, है ना? और आप पढ़ना अब आगे और देखो, पेज नंबर 100 निश्चय से मुझे मेरा स्वरूप ही शरण है, सबसे नीचे, और बाह्यता पंच परमेष्टी जिनवाणी और रत्नत्र धर्म शरण है, मुझे इनके अतिरिक्त स्वप्न में भी दवाई शरण नहीं है, डॉक्टर शरण नहीं है, और स्त्री पुत्र आदि की कौन कहे, मकान दुकान शरण नहीं, शरण नहीं है, शरण रूप नहीं है, ऐसा मैंने नियम लिया है, है? और देखो 101 3 6 7वीं लाइन देखो, 101 पेज पर 7वीं लाइन, मेरी आत्मा की और अर्हन सिद्धों के द्रव्य तो स्वभाव में अंतर नहीं है, किंतु उनके पर्याय स्वभाव में अंतर है, मैं द्रव्यत्व स्वभाव का ग्राहक हूं, इसलिए अरंत का ध्यान करते हुए आत्मा का ध्यान भली प्रकार समझता हूं, अरंत भगवान का ध्यान करते करते
आत्मा का ध्यान करना भली प्रकार समझता हूं, और आत्मा का, सुनो ध्यान से, आत्मा का ध्यान करते करते अनंत भगवान का ध्यान भली प्रकार समझता हूं। इसका मतलब मैं अनंत को ध्याता हूं तो आत्मा का ध्यान कर लेता हूं, जब आत्मा को ध्याता हूं तो अनंत का ध्यान कर लेता हूं। अनंतों अनंतों और आत्मा के स्वरूप में अंतर नहीं है, चाहे अरहंत का ध्यान करो या चाहे आत्मा का ध्यान करो, दोनों समान है। क्या गजब माल लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ने अभी वाकई में एक बम विस्फोट हुआ और खजाना रतन ही रतन निकल आए हो। देखो और आप देख लेना अभी, और देखो पेज नंबर 103 बीच में पंक्ति है, मैंने जिन धर्म के प्रताप से सरलता पूर्वक मोह को जीत लिया है, जिन धर्म के प्रताप से मैंने सरलता पूर्वक मोह को जीत लिया है। अच्छा अब आप और पढ़ना बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें स्त्री का मोह छुड़ाते हैं, पुत्र का मोह छुड़ाते हैं, अब आ जाओ 144 है, 144 अभी मैं इसमें से कुछ पंक्तियां देखो, उसी का ट्रांसलेशन इधर है, कितना अच्छा लगा होगा बच्चन जी को कि ट्रांसलेशन करना, उनने तो गद में लिखा है पूरा, और उसे पढ़ करके फिर ट्रांसलेशन करना बिल्कुल वैसा वैसा, देखो कितना सुंदर। पेज नंबर 145 और सबसे नीचे का छंद है 8वां, देख गुमानी राम का वचन रूप सुप्रवन, लघुमतिता संकोच के रचे सुदोहा छन, मैंने बिल्कुल वैसा वैसा। अब जैसे उन्होंने शेर का दृष्टांत दिया था, ऐसे ही शेर का दृष्टांत इन्होंने, सूता ज्यो ग्रह सिंह ताही एक पुरुष विचक्षण, जायत किया ललकार सिंह एठ उठ देख तत् क्षण, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन है उसमें शेर का। अब आगे देखो पेज नंबर 147 15 नंबर का छंद के बाद का छंद पढ़ेंगे अपन, कर कसाय अति मंद क्षमादिक दस व्रत ध्यावे, अंतर आत्म माहि शोध उपयोग रमावे। कितना सुंदर, अंतर आत्म माहि, ये समाधि मन करने वाला क्या कर रहा है, अंतर में शोध उपयोग रमाता है, करे राग रूप मोह शिथिल अति ही सो ज्ञानी, राग रूपी मोह को शिथिल करे वो ज्ञानी, निरालंब चिद्रूप ध्यान धर बहुत गुण खान, बहुत गुणों का खान ऐसा निरालंबी असहाय चिद्रूप का ध्यान कर, तब रच रस स्वाद आवे घनो, तब आत्मा का रस का घना स्वाद आता है, अतुल भिन्न पांचों धरव भिन्न, इस निश्चय दृष्टि बिलोक ताल है सुख जो अकथ है, अब अवलोकता है, कैसे सुख को अवलोकता है, जो अकथ है कहा जा सकता नहीं, ऐसा इसमें है तो बहुत सारा, आप इसमें से देखना, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं। पेज नंबर 148 बहुत सुंदर सुंदर छंद है, 17वां नंबर का छंद भी बहुत सुंदर, मम ज्ञायक दृष्टा रूप निज ताहि सवै विधि आदरो, फिर से, मम ज्ञायक दृष्टा रूप ताहि उसी को सवै विधि आदरो, सब प्रकार से उसी का आदर करता हूं, अब किस विधि देश न से जुए है मैं तमाश गिरी करो, क्या करूंगा, जे देह कैसे नसेगी, जैसे कोई नगरी नष्ट होती, नगरी नष्ट तो अपन तो देखेंगे तमाशगीर हैं, अपन तो देखेंगे, सुनो एक सुनो, अभी तक तो ये नगरी खूब बढ़िया थी, अब हम देख रहे हैं कैसे नाश को प्राप्त हो रही धीरे धीरे है? एक भजन आता है, इस नगर में किस विधि रहिए नित उठ तलब मचाए रिसेना, इस नगर में किस विधि रहना नित उठ तलब, समझ गए, रोज सुबह से उठो, उठते ही 5 इंद्र की सेना तलब मचा दी, खाओ खाओ, देखो देखो, सुनो सुनो, सुनो सुनो,
मिट उठ तलव मचाए रिसेना। एक कुआ पांचों पनिहारी, एक कुआ आत्मा का ज्ञान रूपी एक कुआ। और जी अपने तरीके से कुआ से पानी भरती हैं सब अपनी अपनी। एक कुआ पांचों पनिहारी, नीर भरे सब न्यारी न्यारी। सुख गया कुआ उड़ गया पानी। आत्मा चला गया, इंद्रियां सूख गई, कुआ तो सूख गया, कुआ तो सूख गया, शरीर रूपी कुआ तो सूख गया और पानी उड़ गया, आत्मा ज्ञान रूपी तो चला गया। बिलख रही सारी पनिहारी। अब जल रही है, रो रही है, वो कब चला था। कहने का क्या मतलब है, बहुत सुंदर है। अब किस प्रकार से इस देश का नाश होगा, सो हम तो तमाशगिरी करेंगे, हम तो देखेंगे है? नीचे 21 नंबर का छंद है। खेद लहो यस मोह तवे सुविचार अर्ज सब भूल दिखानो, मैं निज्ञायक भावन को करता अरुमुक्त सदा थिर जानो। मैं सदा मुक्त या थिर जानता हूं, मैं मात्र ज्ञान भाव का करता हूं। उधर भी लिया था ना, बिल्कुल वैसे के वैसे। अब आप और पढ़ लेना, 27 नंबर का छंद पढ़ लेना। मरण योग्य पहले मुआ, जो मरण योग्य वो पहले ही मरा। मरण योग्य पहले मुआ और जीता मृतक ना हो। और जो मैं आत्मा वो तो जीवित है, वो तो मरता ही नहीं है। मरण दिखावत ना ही मम, मर्म गया सब खोए। अब हम तो सारा मर्म समझ गए, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नीचे 28 नंबर का छंद है, बहुत सुंदर है। जाता अब लोकत दुख नसे, ताब लोकत दुख नसे, मम ज्ञान पीयूष सुपूरित सारे। ज्ञान रूपी अमृत से पूरित आत्मा दिखाई देता है तो सारे दुख दूर होते हैं। ज्ञायक गेयन को यह जीव पे गेय से भिन्न अनाकुल न्यारे। मैं तो समस्त गेयों से निरारा हूं, निराकुल हूं। और पढ़ लेना, तो पूरा ही पढ़ना, उसमें क्या है। अब हम बीच में छोड़ रहे हैं बहुत सारी, आप पढ़ते रहना। हमारा मतलब तो प्रेरणा करना है आपको। बहुत सुंदर सुंदर छंद है, निशान तो बहुत लगाए हमने। देखो अभी अनंत भगवान का कहा था, अनंत भगवान का सना सना। देख कितना सुंदर अरहंत दे। 38 नंबर, पेज नंबर 151, 38 नंबर का छंद है। पढ़ना तो पूरा चाहिए लेकिन समय नहीं। अरहंत देव गुरु द्रव्य गुण, अरहंत देव गुरु द्रव्य गुण, पर्यायन निर्णय करे तब निज स्वरूप में आए कर। जो जान दी अरहंतम, जो अनंत भगवान को द्रगुण पर्याय से निर्णय करते हैं, तब निज स्वरूप में आए कर साहस दृढ़ स्थिति धरे। साहस करके फिर दृढ़ता से आत्मा में लीन होता है, वो शरीर में अटकता नहीं है। बहुत सुंदर। एक पेज नंबर 152, इसकी तीसरी पंक्ति में आरतन छपा है, आरतन। इसे आप सही कर लेना, आरत ना, आरत ना। दृढ़ सोच करो तुम आत्म द्रव्य अनाकुल न्यारो। बढ़िया। अब आप लोग पढ़ना है। एक बहुत अच्छी बात कही इसमें, समय हो गया क्या अभी है थोड़ा सा। सुनो, 56 नंबर का 57 नंबर का छंद है, पेज 155 पर। वैसे है बहुत छंद है इसके पढ़ने लायक, चलो यहीं से सुनाता हूं। 154, पेज नंबर 154, 55 नंबर का छंद, सबसे नीचे की पंक्ति है 154 के नीचे। दया दान अर्पण को जो कुछ मन में होई, दया दान पुण्य जो करना हो मन में होए, सो अपने कर से करे। अपने हाथ से करे, ऐसा नहीं कि अपने हिम्मत से तो निकल, अपने हाथ से तो निकल नहीं रहो बेटा, आप तुम दे रहे, अरे तुमसे ही नहीं निकलता तो बेकार देंगे। सो अपने कर से करे कल विलंब ना होई।
साधर्मी पंडित निकट राखे हम बतलाए, साधर्मी पंडित निकट राखे हम बतलाए, मो पर नाम लखो चिगे। तुम्हें यदि ये दिखाई देगी मेरे परनाम चिग रहे हैं, तुम दृढ़ की जो भाई, तुम मुझे दृढ़ करना। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न हो निपाव। अब अगला छंद है 57 देख रहे हैं। शक्ति प्रमाण कहो गुरु त्याग पे, शक्ति छिपाए नहीं कुछ त्यागे, शक्ति छिपाए के त्याग करे प्रमाद दोष समाधि को लागे। मेरे छंद पढ़ते नहीं बना, पढ़ लेना आप। इसका मतलब यह है कि जितनी शक्ति हो शक्ति को छिपाकर त्याग ना करे। यदि शक्ति को छिपाकर त्याग करेगा तो उसकी समाधि बिगड़ेगी। इतना अर्थ है, शक्ति को छिपा करके त्याग करना नहीं और शक्ति से ज्यादा, दोनों कंडीशन में तुम्हारी समाधि बिगड़ जाएगी, है ना? ठीक है, ऐसे बहुत माल है इसमें। देखो अपने महाभाग हैं, इतने सुंदर सुंदर रत्न है ना इसमें हैं। तो अब बाकी तो आप पढ़ लेना। इस तरह से समाधि मरण का विषय लगभग 1.5-2 महीने होगा, कितने 1.5-2 महीने करीब। तो अब विराम को प्राप्त आज होता है, बाकी सच्ची समाधि तो अब शुरू होनी चाहिए। समाधि समाधि तो शुरू आपको अब करनी चाहिए, जीवन की कीमत समझना चाहिए भाई। अरे रे प्रभु, सावधान और साहसी व्यक्ति वे हैं जो संकट आवे उससे पहले अपना काम कर ले। बाकी तो फिर हंस के नहीं जाओगे तो रो के जाना तो है ही। सावधानी से जाओगे सुगति में चले जाओगे, देशवास गुरु मिल जाएंगे, आत्मा की लायकात मिल जाएगी, रत्नत्रय मिल जाएंगे, मोक्ष में चले जाओगे। असावधानी से जाओगे तो जाना तो है ही खैर, लेकिन अपनी कुगति हो जाएगी। इसलिए सभी जीव इस समाधि मरण, अपन ने शुरू में एक छंद पढ़ा था, समाधि मरना दीना फलम प्राप्तांजिनाधिका, समाधि मृत्यु सिद्ध्यर्थम। क्यों शुरू किया था अपने से? अपनी समाधि मृत्यु के सिद्धि करने के लिए। समाधि मृत्यु सिद्ध्यर्थम वंदे पंच महागुरु, हमने पंच परमेश्वरों की वंदना की है, हमें भी समाधि मृत्यु की प्राप्ति हो। और आज का दिवस भी बहुत पवित्र है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कल्याणाकाश है, और श्रेयांशनाथ भगवान को आज जन्म भी हुआ और दीक्षा भी हुई, तो बैराग का भी दिवस है। और आज अपन समाधि की चर्चा भी कर रहे हैं। श्रेयांशनाथ भगवान अंतिम समाधि की तैयारी, आज दीक्षा लेकर अंतिम समाधि की तैयारी, दीक्षा लेकर है, और अपने को भी समाधि हो रही है, समाधि का पाठ पूरा हुआ है। ओम नमः शिवाय। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊ। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना शतावे, से हिलो लगी हो दुर ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत से दशाधु रटना यही लगाम। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं।
जीने की हो न बांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हजाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्र का हो पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाए जीवन दिन रात मेरे स्वामी ने भा